एग्रोमेडिक्स किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे मिर्च की आधुनिक खेती के बारे में। तो इस आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मिर्च की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु, मृदा का चयन, रोपाई का समय तथा मिर्च की फसल के लिए खेत की तैयारी, बीज की मात्रा दर तथा मिर्च की नर्सरी को किस प्रकार से तैयार करें तथा यदि आप कास्टिंग मल्चिंग का किस प्रकार से उसमें इस्तेमाल करना है, पोषक तत्व तथा खरपतवार नियंत्रण को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, साथ ही मिर्च की फसल में कब सिंचाई करनी है तथा उपज कितनी होती है। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी के लिए हम लेकर आए हैं एग्रोमेडिक किसान मोबाइल ऐप। इस ऐप में आप अपनी फसलों में होने वाले सभी प्रकार के रोगों की जानकारी तथा उनके समाधान को कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से पता कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप के माध्यम से ऑल इंडिया डेली मंडी भाव की जानकारी को पता कर सकते हैं। इस ऐप को निशुल्क डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कृपया क्लिक करके डाउनलोड जरूर करें। तो किसान भाइयों, हमारे इस चैनल पर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहती है, इसीलिए हमारे चैनल को नीचे दिए हुए लाल बटन द्वारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही पास में दिए हुए घंटे के बटन को जरूर दबाएंगे जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मिर्ची की फसल के मौसम की जरूरत, कौन से मौसम में मिर्ची की फसल सबसे होगी। तो नमी युक्त जो उष्ण जलवायु है वो मिर्ची की फसल के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। साथ ही जब फल की पकने की अवस्था आती है तब शुष्क मौसम, शुष्क जो ड्राई मौसम की जो है वो मिर्ची की फसल को जरूरत पड़ती है। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान मिर्ची की फसल के लिए बेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं मृदा का चयन, यानी कि किस प्रकार की मिट्टी आपको जरूरत होगी। यदि आप मिर्ची की खेती लेना चाहते हैं तो हल्की दोमट मिट्टी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है। साथ ही आप जो मिट्टी आप ले रहे हैं उसका पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। अब पीएच मान की जब बात आती है तो इस पीएच मान का ज्ञात करने के लिए आपको सोयल टेस्टिंग करानी पड़ती है। इसके लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र की मदद ले सकते हैं। और जब आप मिट्टी चयन करते हैं तो उस खेत में आप मिर्ची की फसल लगाइए जहाँ पर जल निकास की समुचित व्यवस्था हो। अब बात करते हैं रोपाई का समय। तो किसान भाइयों, रोपाई का समय जो है, यदि आप मिर्ची की फसल खरीफ में लेना चाहते हैं तो रोपाई का जो समय है वो जून जुलाई के आसपास रहेगा। और यदि आप मिर्ची की फसल शरद ऋतु में या सर्दी में लेना चाहते हैं तो रोपाई का समय सितंबर से अक्टूबर के मध्य होता है। और जब आप फसल की रोपाई करते हैं उससे 35 से 40 दिन पहले आपको मिर्ची की फसल के लिए नर्सरी की तैयारी करनी होती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। तो दोस्तों, मिर्ची की फसल के लिए आप जो खेत की तैयारी जैसे ही करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपकी खरीफ की फसल अप्रैल या मई जब भी कटती है उसके तुरंत बाद आप मिट्टी पलटने वाले जो रिवर्सिबल प्लफ होता है उसकी मदद से आप जुताई करें। साथ ही रोटावेटर या कल्टीवेटर को चलाकर खेत को तैयार कर सकते हैं। साथ ही जब खेत की तैयारी करें तो जल निकास की व्यवस्था करना अति आवश्यक है, क्योंकि मिर्ची की फसल उन खेत में कभी भी संभव नहीं है जहां पर खेत में पानी भरता है। तो ध्यान रहे किसान भाइयों, जल निकास की व्यवस्था जरूर करना। और उसके बाद आप ड्रिप सिंचाई के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोपाई के लिए आपको जो है 100 सेंटीमीटर के अंतराल पर, यानी कि 100 सेंटीमीटर एक मीटर से की जगह छोड़कर आपको लगभग 60 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 30 सेंटीमीटर ऊंची बेड्स मेयर तैयार करनी होगी जिस पर आप ड्रिप की लाइन्स को बिछा सकें। साथ ही अगर आप इसमें मल्च भी लगाना चाहते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग, तो भी उसके लिए ये सुविधाजनक रहता है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा दर। यदि आप संकर किस्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं उत्तम क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप 100 ग्राम बीज एक एकड़ के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि आप जो उत्तम क्वालिटी के संकर किस्मों का जब चयन करते हैं तो वहाँ पर आपको अंकुरण की समस्या बहुत कम आती है। अब बात करते हैं बीज उपचारण का। यदि आपने बीज जो उत्पादक कंपनी है आपकी, उसने पहले से ही आपको बीज उपचारित करके दिया है तो पुनः बीज उपचार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपका बीज उपचारित नहीं है तो पहले चरण में आप मेटालिक्जिन M31.8% ES को लेकर 2 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करेंगे। इसके उपरांत आप जो है इमिडाक्लोपीड 70% WF, जो कि मार्केट में गाउचो नाम से मिलता है, इसकी 4 से 6 ग्राम मात्रा को लेकर 1 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आता है मिर्च की पौध तैयार किस प्रकार से करें। तो मिर्च की पौध को तैयार करने के लिए आपको 40 से 50 मेष कीट की अवरोधक नेट, यानी कि एक नेट होती है दोस्तों, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिल पा रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो इस पे आप नेट को लगाने के बाद आप जो है इसके अंदर लगाएं जिससे कीट अवरोध हो जाए। दूसरी बात, आप नर्सरी जहां लगा रहे हैं वहां पर जो है पर्याप्त मात्रा में धूप का आना आवश्यक होता है।
और उसके आप जो बीज की जब बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए आप 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएं जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, क्योंकि तो इसमें जो आपको है वो पोत की पोत जो क्यारी बनाते हैं उसमें आपको आसानी रहती है। मिर्च की पोत तैयार करना, इसके लिए आप जो है नर्सरी जो कर रहे हैं आप, तो नर्सरी तैयारी के समय 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा वृद्धि को 3 किलोग्राम पूर्णतया सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर 3 वर्ग 3 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में मिट्टी में मिलाएं। दोस्तों ध्यान रहे जो गोबर की खाद आप ले रहे हैं वो पूर्णतया सड़ी होना आवश्यक है, अगर ये पूरी तरह से सड़ी हुई नहीं है तो दीमक लगने की जो है आशंका बहुत मात्रा में संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब नर्सरी का संरक्षण किस प्रकार से की जाए, जो क्यारी लगा रहे हैं आप उसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गहरा जो है वो आप उसमें एक होल बनाएंगे, वहां पर आप बीज को बुआई करेंगे। नियमित रूप से सुबह एवं शाम के समय हल्की सिंचाई करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हल्की सिंचाई नर्सरी के लिए बहुत आवश्यक होता है। बीज की बुआई के 15 दिन बाद आप इमिडाक्लोरोपेट 17.8% जो कि बायर की कॉन्फिडोर के नाम से आता है उसका आधा ml लेकर 1 लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी में छिड़काव करना ना भूलें। मिर्च की जो नर्सरी है वो लगभग 35 से 40 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। अब यदि आप नर्सरी को प्रो ट्रे जो सीड ट्रे में अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो सीड ट्रे लें और उसमें कोकापिट जो मिट्टी होती है या आप अपने घर की मिट्टी भी लगा सकते हैं जो काली मिट्टी होती है उसमें लेकर आप जो है उसके जो बीच में जो सेंटर में 0.5 सेंटीमीटर गहरा जो होल बनाए और बीज को जो है वो उसके अंदर लगा दें। बीज लगाने के बाद इसको मिट्टी से ढकें और मिट्टी से ढकने के बाद हल्की सिंचाई कर इसको आप चाहें तो पॉलीथीन से भी ढक सकते हैं, क्योंकि जब तक अंकुरण नहीं होता आप इसको पॉलीथीन से ढक के रखें, आपको जो अंकुरण में जो है वो गुणवत्ता देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब याद है पौध उपचार, जब आपने नर्सरी बना ली है तो पौध उपचार किस प्रकार से करेंगे, पौध उपचार करने के लिए दोस्तों आपको इमिडाक्लोरोपेट 17.8% जो कि बायर की कॉन्फिडोर के नाम से मार्केट में मिलती है उसकी आप 10 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलें और 1 लीटर पानी में घोल कर एक घोल बना लें आपकी बाल्टी या तगारी के अंदर। उसके बाद आप पौधों को जो है पौधों की जड़ों को 20 मिनट तक इसमें डुबो को रखें, उसके बाद ही खेत में रोपाई करें। दोस्तों रोपाई किस प्रकार से की जाए, यदि आप रोपाई कर रहे हैं तो खेत में आप जो है कतार से कतार की जो बीज की दूरी है वो 1 से 1.25 मीटर के लगभग होना जरूरी है। पौधे से पौधे की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। रोपाई के पूर्व बेड्स पर ड्रिप पाइप बिछा दें, यदि आप ड्रिप के द्वारा सिंचाई करना चाहते हैं तो जो आपने जो बेड्स बनाए थे उस पर आप ड्रिप की लाइनें को बिछा दें और यदि साथ में मल्चिंग भी करना चाहते हैं प्लास्टिक मल्च तो आप मल्चिंग को भी वहां पर बिछा दें और मल्चिंग के लिए आप उसमें आपको होल करने होंगे उसके लिए भी व्यवस्था आप उसमें कर सकते हैं। रोपाई की पूर्व पौध उपचार के बाद खेत में जो है आपने रोपाई से पहले पौध को उपचार कर लिया तो खेत में आप शाम के समय रोपाई करने का सबसे बेस्ट समय होता है शाम के समय, यानी कि इवनिंग के टाइम आप इसको रोपाई करें। उसके बाद आप मल्चिंग के उपयोग की तकनीक कर रहे हैं तो आप मिर्च की फसल की आधुनिक खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति के साथ साथ 30 माइक्रोन मोटाई वाली सिल्वर या ब्लैक कलर की प्लास्टिक मल्चिंग शीट का उपयोग किया जा सकता है जिससे खरपतवार प्रबंधन के साथ साथ सिंचाई जल की मात्रा में भी कमी आती है एवं मिर्च में रस चूसक कीटों का प्रकोप कम हो जाता है जिससे उपज में 40 से 50% की वृद्धि पाई जाती है। अब बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की, तो दोस्तों मिर्ची की फसल के लिए आप 100 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करें, साथ में इसमें आप जो है लगभग 1 क्विंटल हरी खाद या इसके अंदर आप मिर्च जो नीम की निमोली होती है खली उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर हरी खाद का यहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो मिर्ची की फसल की 1 एकड़ के लिए नाइट्रोजन की मात्रा 50 किलोग्राम, फॉस्फोरस की मात्रा 32 किलोग्राम, पोटाश की मात्रा 32 किलोग्राम और यदि आपकी जमीन में जिंक सल्फेट की कमी है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक सल्फेट का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप सिंचाई की बात करें तो आप टपक या ड्रिप सिंचाई की तकनीक द्वारा करना चाहते हैं तो ड्रिप द्वारा सिंचाई मृदा के प्रकार, मृदा में नमी की मात्रा, मौसम एवं फसल की अवस्था के अनुसार प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर एक दिन की जा सकती है। अब यदि आप खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो सामान्यतः मिर्च में पहली निदाई गुड़ाई लगभग 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी 35 से 40 दिन पश्चात करें या डोरा या खुरपी चलाएं। हाथ से निदाई या डोरा खुरपी को ही प्राथमिकता दें और इसमें आप खरपतवार नाशी को छिड़कने से बचें क्योंकि मिर्ची की फसल पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। प्लास्टिक मल्च का उपयोग करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ मृदा नमी का भी संरक्षण बना रहता है। अब बात करते हैं पौध वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग।
यदि आप इसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ट्राइकोन्ट्राल 0.05% ईसी को 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, और ये जो आप जो रोपाई के 20 से 25 दिनों बाद इसका स्प्रे करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। अब पौध वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग में दूसरी जो होती है, जब आपके मिर्च में पुष्प जब फूल आते हैं फलाव आते हैं जब फूल फलाव झड़ते हैं उनको झड़ने से रोकने के लिए आप पुष्पन एवं फलन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आप बायर कंपनी का प्लानोपिक्स की मात्रा को 10 मिलीग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव पुष्पन के समय करें। 20 दिन बाद छिड़काव रिपीटेड मोड पर करें, यानी कि एक से दो बार भी इसको 20 दिन के अंतराल पर ही करें, जिससे आपकी जो फूल मिर्ची में जो पुष्प एवं फूलों को जुड़ने की प्रक्रिया है उसको आप जो है कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर फूल फलाव बढ़ाने के लिए आप प्लानोपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आशा करते हैं आपको मिर्ची की आधुनिक खेती की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं आप किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। साथ ही आपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप सभी में हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और किसान भाइयों को आधुनिक मिर्ची की खेती के बारे में जानकारी जरूर दें। साथ ही नीचे दिए हुए लिंक पर हमारे एग्रोमेडिक किसान मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।